आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया किसान नवंबर 2021 को अपने घर वापस चले गए दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने 378 दिन तक डेरा डाला इससे पहले पांच महीने से ज्यादा पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम किए रखा अठारह महीने के आंदोलन में चौदह महीने खूब हंगामा देखने को मिला इस आंदोलन के साथ कुछ तारीखें भी इतिहास में दर्ज हो गयी छब्बीस जनवरी को दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च हुआ इसके साथ कई बड़े घटनाक्रम इस आंदोलन के साक्षी बने किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और फिर उन्नीस नवम्बर दो को पीएम मोदी ने अचानक कानून वापस लेने की घोषणा कर दी लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत रविवार को टोहाना में पक्का मोर्चा स्थल पर पहुंचे। पंजाब जाते वक्त कुछ देर वो यहां ठहरे और किसानों से बातचीत की इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए टिकेत ने कहा कि सरकार ने अभी तक एमएसपी को लागू नहीं किया है तो देश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा भाजपा हर काम में मोदी का नाम ले रही है चंद्रयान लैंडिंग पर भी मोदी का गुणगान किया गया इसलिए वो अब एमएसपी कानून में भी मोदी का नाम जोड़कर मोदी एमएसपी कानून को लागू करने की मांग करते हैं